तो ये समझ के परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर AICC में आने लगे रोक सकते हैं। तो ये हालात हैं, देख रहे हैं आप लोग। सर ने देखा कि आपकी सिक्योरिटी को भी जो है बीच में रोक दिया गया, आप लोग खुद चीफ मिनिस्टर है, इससे भी आप लोगों को न लगता कुछ अजीब सी स्थिति इस वक्त बनी हुई? डेमोक्रेसी की हत्या ही हो रही है, आप समझ लो, देश के अंदर। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, खाली धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करते जाओगे? हालात बड़े गंभीर है देश के, पूरे देश में गांव तक में तनाव हो गया है, समझ नहीं पा रहे सरकार। कस्बों में तनाव हो गया है, चाहे रामनवमी हो और चाहे वो शुक्रवार की नमाज हो, लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? साथ साथ रहना जिंदगी के अंदर, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, फारसी को, जैन को, सबको जिंदगी बितानी है, सदियों से बिताते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। तो भी तनाव किस दिशा में ले आएगा देश को, ये चिंता का विषय है। और ईडी के नाम पे अलग से नाटक कर रहे हैं।